तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जिसका सेवन करने से क्या होता है कि हमारी एजिंग होने लगती है, व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। और आज की मेडिकल साइंस ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम इस चीज का ज्यादा सेवन करते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा, तो व्यक्ति की मृत्यु जल्दी होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता है कि पहले के समय में व्यक्तियों की उम्र ज्यादा या आयु ज्यादा होती थी। उसकी वजह यह है कि व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन करता था, न्यूट्रिशन के हिसाब से नहीं बल्कि रस के हिसाब से, यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से संतुलित आहार का सेवन। लेकिन आज व्यक्ति अपनी जीभ के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में यह भूल जाता है कि क्या अब हमारे शरीर को इस चीज की जरूरत है या नहीं। और वो चीज कौन सी है? वो चीज है नमक। जी हाँ, अगर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रतिदिन रोज अगर वह जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करता है तो उसकी एजिंग होने लगती है, वह व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ मेडिकल साइंस की माने तो व्यक्ति की मृत्यु भी जल्दी हो सकती है। और दोस्तों, यह मेडिकल साइंस की खोज आज के समय की ही है। हमारे ऋषि महर्षियों ने तो हजारों साल पहले यही बता दिया था। हमारी आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा है कि नमक का सेवन करने से व्यक्ति की एजिंग होने लगती है, व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मेडिकल साइंस ने तो अभी कुछ ही दिन पहले बताया है कि नमक का सेवन करने से एजिंग होती है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने यह तो बताया है कि नमक का सेवन करने से एजिंग होती है, लेकिन इसके साथ साथ उस नमक के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, यानी कि अगर व्यक्ति ज़्यादा नमक का सेवन करता है तो उस नमक के सेवन को कैसे कम किया जाए, यह भी हजारों साल पहले बता दिया था। लेकिन अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसी खोज नहीं हुई। और दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिकल साइंस ने अभी तक नमक के प्रभाव को कम करने के लिए कोई ऐसी चीज की खोज नहीं की। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिकल साइंस एकदम रद्दी साइंस है। बस कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की खोज एक बार हो चुकी है, यानी कि हमारे आयुर्वेद के संहिताओं में लिख चुकी है, तो उस चीज की खोज दोबारा से ना हो। तो अब बात करते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने नमक के एंटीडोट के बारे में, यानी कि ऐसी कौन सी चीज का सेवन करें जिससे जो नमक का प्रभाव है वह हमारे शरीर में एकदम कम हो जाए या धीरे धीरे करके हो। तो अगर व्यक्ति ज्यादा नमक का सेवन करता है तो वह रोज करे कम से कम 3 से 4 आंवले का सेवन, या वह दिन में 2 बार 1-1 चम्मच आंवला चूर्ण का सेवन करे। क्योंकि दोस्तों, यह जो आंवला होता है यह नमक के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति की एजिंग जल्दी नहीं होती, व्यक्ति लंबे समय तक जीता है। और एक विशेष बात कि इस वीडियो का मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति नमक का सेवन बिल्कुल ही ना करे। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ज्यादा इसका सेवन, जितनी जरूरत हो अगर व्यक्ति उतना ही नमक का सेवन करता है तो वही नमक हमारे शरीर में एक अमृत है, एक औषधि है। नमक क्या करता है कि हमारे शरीर में खाया पिया लगाता है, यानी कि पचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।